कॉनीफायरस फॉरेस्ट फर्स्ट द कॉन्टेंट्स प्रायमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉनीफायरस फॉरेस्ट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रियट्स विद इन कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड द लोकेशन ऑफ कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द कॉर्नीफायरस फॉरेस्ट सो फर्स्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इको सिस्टम के अंदर वो बायोमेस है जो कि इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है सेथिसाइज करते हैं बाई यूजिंग द सन लाइट इसको अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ बायोमैस विच इज सेंथिसाइज बाई द फोटो सेंथिसाइजिंग ऑर्गेनिजम ऑफ द स्पेसिफिक बायोम आर द इकोसिस्टम सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट कनीफेरासफॉरेस्ट फॉरेस्ट दे आर मेनली कंप्राइज ऑफ द कोनीफर्स विच आर एवर ग्रीन प्लांट्स मीन्स दे आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो इनके लीव्स जो है वो ट्रीज़ के ऊपर मौजूद रहती हैं तो इट मीनस जो फोटोसिंथेसिस का अमल है इट रिमेन कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर्स ये पूरा साल जब वो कंटिन्यू रहता है हाव एवर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा कि जब अगर मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस या का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा जब जा कोल्ड टेम्परेचर होगा तो ये प्रोसेस जब वो स्लो डाउन हो जाएगा सो अगर हम कौनीफॉरेस फॉरेस्ट की देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कूल है यानी कूल क्लाइमेट मौजूद है क्लाइमेटिक कंडीशन हैं सो ड्यू टू कूल क्लाइमेटिक कंडीशन द प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू फिकट द दायोमैस इज रिलेटिवली स्लो देंट डेट ऑफ द डिशिडियस फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कि ट्रॉपिकल और डिसिडियस फॉरेस्ट की नस्बत कॉनीफॉरेस फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है लेकिन इसके मुकाबले में जो अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं टंड्रा इकोसिस्टम की बात करें या फिर इसके अलावा ग्लास लैंड की बात करें तो उनकी नस्बत जो है वो कॉनीफॉरेस फॉरेस्ट की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है अच्छा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और के दो से आगे हैं एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो टोटल फोटोसिंथेसिस का के जरिए जितना भी बायोमैस बनता है वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि ग्रॉस में से जितना प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया है मटेरियल जो बाकी बात जाएगा उसको हम कहेंगे इट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रीसाइकल इन द कॉनीफरस इकोसिस्टम अगर हम कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर प्लांट्स जो है वो दे आर कंटिन्यूसली टेकिंग द न्यूट्रिय फ्राम द सॉयल वो सॉइल से जो है वो कंटिन्यूसली मटेरियल इनटेक कर रहे होते हैं इस वजह से कॉनी फॉरेस्ट जो है अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिसीडियस फॉरेस्ट की नस्बत कम होगी अब इसकी रीज़न कि जो प्लांट्स हैं दे आर कंटिन्यूसली टेकिंग द न्यूट्रिय फ्राम द सॉयल अब ये दोबारा रिसाइकिल कैसे होने थे कि जो लीव्स हैं या प्लांट मटीरियल है जब ये दोबारा सॉइल के ऊपर फॉल ऑफ करेगा तो इसकी डीकम्पोजिशन होगी डिकम्पोजिशन के बाद न्यूट्रिय वो दोबारा जो है वो सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे तो इस तरह से एक बाकायदा एक साइकिल चलेगा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स आप टेक करेंगे प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे ऑर्गेनिक मालिक्यूल सेंथिसाइज़ करेंगे फिर जब ये प्लांट्स और जो उनके आगे फर्दर एनिमल्स जब उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ये मटीरियल दोबारा डेड बॉडीज़ की फार्म में जो है वो दोबारा सॉयल का हिस्सा बन जाता है इनके सब प्राइमरी जो कॉनिफरेस्ट फॉरेस्ट हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशनस आर रिलेटिवली कूल इन्वायरमेंटल कंडीशनस कूल हैं जिसकी वजह से डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉयल से आप टेक किए गए हैं वो सारे -सारा के सारा प्लांट्स के डेड मटेरियल यानी कि उसके लीव्स के अंदर जो है वो लॉक्ड रहेगा और उसकी डिकम्पोजिशन जो है बहुत स्लो है तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो नेचर ने रखा हुआ है वो है कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर अक्सर आप देखते हैं कि जब वो फायर का यानी कि आग लगने के वाक़ जो होते हैं तो ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे ही फायर होगी तो फायर से क्या होगा कि जितना भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है लीव्स हैं वो सारे के सारे आउट करेंगे जिससे न्यूट्रिएंट्स दोबारा जो है वो क्या करेंगे सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे जैसे अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं कि कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में या इस तरह बड़े बड़े यूरोप के अंदर जो है वो फायर जो है वो पूरे जंगल को जो है उसको आग लग जाती है तो इसका रीज़न ये है कि उसके अंदर डेड मटीरियल इतना ज़्यादा एक्मुलेट होता है और फिर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब उसकी फायर होगी तो आग लगेगी तो फिर सारे के सारा जो वो रिसाइकिलिंग का प्रोसेस जो वो कंप्लीट होगा अगर आग नहीं लगेगी फायर का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर इसका ये होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है उनके रिसाइकलिंग जो वो बहुत स्लो हो जाएगी सो वेयर दिस कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट आर लोकेटेड अगर हम बात करें जो कि कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट बेसिकली एक बायोम बनाते हैं जो अर्थ के इंपॉर्टेंट जो है वो या लैंड के जो टेरिस्ट्रियल बायोम्स है उसमें वन ऑफ देम इज द कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट है अगर हम पूरी अर्थ का एक जायजा लें तो पहली बात यह है कि ज़्यादातर जो अगर हम देखें जो लैंड एक का एरिया है वो है नॉर्दर्न हेमिसवियर की तरफ यानी शमाल की तरफ है साउथ की तरफ अर्थ का जो ज़्यादातर पार्ट है वो है जहाँ ओशन्स मौजूद हैं अब नॉर्थ के ऊपर अगर हम बिल्कुल टॉप के ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास टंडरा इकोसिस्टम आ जाता है अब जब वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो हमें अल्टीमेटली जो है वो कॉनीफॉरेस फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कॉनीफॉरेस फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ से नीचे तरफ की तरफ यानी कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप की मैक्सिमम जो एरिया है जो कि यूरोप नॉर्दर्न हेमिसफियर के करीब है यूरोप है इसी तरह से एशिया के अंदर जो रशिया का एरिया हो, जो है वो यानी नार्दर्न साइड जो है मंगोलिया वगैरह के जो इलाके हैं ये तमाम जो अर्थ की बिल्कुल नॉर्दर्न पोल से थोड़ा सा नीचे की तरफ का इलाका है वो सारे के सारे बेसिकली कौनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है उसको बनाता है अच्छा इस अब ये जो नॉर्दर्न पोल से करीब है यानी अर्थ के जो नॉर्थ साइड के ऊपर कौनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं जो कि दुनिया के कह सकते हैं कि जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट हैं उनका एक बड़ा पोर्शन जो है वो बनाते हैं सो नार्दर्न कोनीफॉरस आल्सो कॉल्ड कॉल टैगा। इसके अलावा कुछ कोनीफॉरस फॉरेस्ट वो हैं जो नार्दर्न यानी कि नार्दर्न पोल के करीब होने के बजाय ज़मीन के मुख्त इलाक़ों के मौजूद हैं जैसे कि अफ्रीका के अंदर है साउथ जब वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं या इसके अलावा जो डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स के अंदर जा वो पाए जाते हैं एक्चुअली जहाँ भी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड मौजूद होगा तो वहाँ मिल्टी टेम्परेचर जहाँ वो लो होता चला जाएगा तो लोअर टेम्परेचर कंडीशन जब आएंगी तो उससे अल्टीमेट हमारे पास जो वो कॉनिफरेस फरेस्ट है वो मिलेंगे हमें इसीलिए जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं जैसे माउंटेनियस एरियाज़ कहाँ हमारे पास आ, अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं साउथ एशिया में जैसे हमारे हेमालय जो हैं इसके जितने भी है हमारा जो नार्दर्न एरियाज हैं वो सारे, -सारे हैं, so के सारे जो है कॉनीफरेस फॉरेस्ट हैं बिकॉज दे आर एट प्रेजेंट एट द हाई एल्टीट्यूड सो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे पास कॉनीफरस फॉरेस्ट है वो मौजूद हैं इफ़ यू लुक एट द मैप अगर हम यह मैप को देखें तो हमारे पास कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास ब्लू कलर दिस वन तो ये जितना भी एरिया हमारे पास है अगर हम देखें तो अर्थ की बिल्कुल नॉर्दर्न साइड जो है उसको बना रहे हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारे पास टंडरा है और टुंडरा जो है वो उसके बिल्कुल नीचे की तरफ हमारे पास जो वो कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट है और मैप से हमें आइडिया हो रहा है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फॉरेस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इनका प्रोपोर्शन है अच्छा इस मैप के अंदर हमें सिर्फ जो है वो टैगा जो वो नज़र आ रहा है यानी कि नॉर्दर्न कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं बाकी इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चाहे वो साउथ अफ्रीका है साउथ एशिया है इन एरियाज़ के अंदर भी हमारे पास जा वो कॉनिफॉरस्ट फॉरेस्ट जो वो मौजूद हैं सो इन इफ वो लुक एट पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्दर्न एड्स हैं के पी के में है या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो हैं इस तरह से आज़ाद कश्मीर का इलाका है और इसके साथ जो बलोचिस्तान के एरियाज़ हैं जियारत है जैसे दीज आर ऑल हैविंग द कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट ये बेसिकली नार्दर्न हेमिसफर के करीब नहीं है यानी कि ये ज़मीन का नॉर्दर्न साइड के ऊपर नहीं है लेकिन इनकी चूँकि एल्टीट्यूड ज्यादा है उस वजह से यहाँ जो है वो कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट जो वो मौजूद हैं द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन दिज कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है उसमें जो है वो दो तरह से ह्यूमन इसको इम्पेक्ट करता है एक तो यह डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन क्योंकि जो कॉनीफर्स की वुड है दैट इज़ हैविंग जो इनॉर्मस वैल्यू इसकी जो इनॉर्मस वैल्यू है जो मेनली फर्नीचर के लिए जो है वो बहुत कीमती इसको जो है वो प्रीशियस वुड गिना जाता है इसके साथ साथ जो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल के जो इसको जो है वो तो अल्टीमेटली तो क्या है कि डिफॉरेस्टेशन जो है ह्यूमन इम्पैक्ट जो एक ये है कि ह्यूमन जब इसको डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जब इनको कट किया जाता है तो चूँकि दे रिक्वायर लॉन्ग टाइम टू ग्रो तो इस वजह से जो है जो कॉनीफरस फॉरेस्ट जो है दे आर इम्पेक्टेड बाई द न सेकंडली द क्लाइमेटिक चेंजेस क्लाइमेटिक चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एसड रेन है तो एसड रेन इंडस्ट्रलाइजेशन की वजह से एसड रेन है जिसकी वजह से जब एसड रेन जिन एरियाज़ के अंदर होता है तो उसके अंदर जैसे अगर हमारे पास देखें जर्मनी है या फिर इसके अलावा बहुत सारे इलाके जो हैं वो कैनेडा के हैं जहाँ एसिड रेन की वजह से बहुत सारे वेजिटेशन जो वो, वो ख़त्म हो गई है इसी तरह से जैसे जैसे विंटर शॉर्ट हो रहा है तो उससे जो पेस्ट हैं दे आर आल्सो अटैकिंग ऑन द कॉर्नी फॉरेस्ट